हाय, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट ये है गंगा जी के सुंदर सुंदर दर्शन आप कर सकते हैं। और ये समय है सुबह का समय और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और ठंड के कारण जो है लोग गंगा स्नान बहुत कम कर रहे हैं। तो 2023 का ये पहला स्नान है, यानी कि जनवरी के महीने का पहला स्नान है जहाँ पर लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत कम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेशल नज़र। अभी आपने जो फ्लावर्स देखे हैं, जो फूल देखे हैं, तो वो फूल कहीं पहाड़ों से नहीं लाए गए हैं, बल्कि यहाँ पीछे है एक पार्क, बढ़िया सा पार्क, और इस पार्क में ही वो सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। आज का जो मौसम है वो मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और चारों ओर जो है धुआं ही धुआं, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। तो कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर वही निकल रहे हैं जिनके कामकाज होंगे, बाकी वैसे ही कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है इतनी ठंड में। और मेरे पीछे है इतना बड़ा शंख जो बनाया गया है मुंबई की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट कृपा शाह के द्वारा ये बनाया गया है यहाँ पर। और इसकी जो लॉन्चिंग की थी वो की थी दीपक रावत, आईएएस दीपक रावत, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की थी। और बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है यहाँ पर ये शंख। तो देखिए इसके नज़ारे किस तरह से दिखाई देता है गंगा के पास। माँ गंगा के ये सुंदर सुंदर दृश्य ऐसे ही नहीं मिलते देखने के लिए, इनको देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सुबह सुबह आना पड़ता है, वो भी अपने ड्यूटी टाइम से पहले या फिर ड्यूटी टाइम के बाद से आपको आना पड़ता है, तब जाके इस तरह के अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिखाने के लिए मिल जाते हैं। और अभी थोड़ी हल्की सी जो है ठिठुरन गायब हुई है, हल्की सी धूप यहाँ पे लगी है, ऊपर से जो सूरज भगवान है उनकी चमक हल्की हल्की पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी चारों ओर जो कोहरा है वो लगा हुआ है, धुंध पूरी तरह से छाई हुई है। गंगा की इस पवित्र जलधारा के बाद आपको ले जाएंगे हम हर की पौड़ी में और आज वहाँ के दर्शन भी करवा देते हैं कि जनवरी के महीने किस तरह का स्नान वहाँ पर हो रहा है और कितने श्रद्धालु वहाँ पर बने हुए हैं, क्या दृश्य है वहाँ का, वो दृश्य भी आपको दिखाने के लिए हम थोड़ी देर बाद ले चलेंगे हर की पौड़ी। यहाँ पर चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ आस्था पथ पर और ये जो एरिया है जहाँ मैं चल रहा हूँ इस पथ का नाम है आस्था पथ। तो आस्था और विश्वास की दुनिया ही हरिद्वार है, तो इसलिए इस पथ का नाम भी आस्था पथ है। यहाँ पर आते ही सामने से दिखाई दे रहा है वो वाला एरिया जहाँ मैं परसों आपको ले गया था कि हरिद्वार के अंदर भी गोवा बीच जैसा अनुभव आप कर सकते हैं। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, यह है वो परसों वाला एरिया जहाँ से मैंने करवाया था आपको दर्शन, जो चंडी घाट के दर्शन थे। ये चंडी घाट वाला एरिया है, बीच में जो टापू है नदी के उसके पार जो नदी है हल्की हल्की धुंध के साथ दिखाई दे रहा है, तो वो है चंडी घाट। और बहुत ही प्यारा सा दृश्य है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मियों में भी यहाँ पे बैठने के लिए इस तरह के कुछ सेट्स बनाए गए हैं, इनमें बैठ सकते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा घाट है, बहुत ही अच्छा और सुंदर और रमणीक है यहाँ पर। किसी भी चीज़ के जब अनाउंसमेंट होता है, जब यहाँ पे भक्तों की भीड़ ज़्यादा लगती है गंगा में डुबकी लगाने के लिए और कोई भी अनाउंसमेंट करना हो, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए सारे माइक लगे हुए हैं। यहीं पर पीछे जो है आनंद वन समाधि है, जहाँ समाधि का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, तो वहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है। कभी स्पेशली बताएंगे उसके बारे में भी आपको, लेकिन वहाँ पर अभी मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि जो अब कहा जाता है कि समाधि में लीन होते हैं तो उन्हें समाधिस्थ होने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे ऊपर जो आप इस तरह का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ मैंने जब आपको जो है अपने यहाँ गांव में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उन वीडियोस में इस तरह का पेड़ आपको ज़रूर दिखने के लिए मिला होगा।
आसपास गंगा मैया के सुंदर सुंदर दर्शन करने के बाद चलते हैं हरिद्वार के मुख्य घाट पर, जिसे कहते हैं हर की पैड़ी, और देखते हैं वहाँ के क्या दृश्य हैं आज के और किस तरह का स्नान वहाँ पर हो रहा है। ये साल का पहला स्नान है, तो साल के पहले स्नान में क्या क्या गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही है, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं और ठंड का कितना वहाँ पर जो है असर पड़ा है, ये सारा वहीं जाने के बाद पता चलेगा। तो चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ। बताते हैं यहाँ पर है ये सत्संग भवन, तो आप यहाँ पर बैठ कर पूरी फैमिली के साथ सत्संग भी कर सकते हैं। और इन बागीचों से गुजरते हुए, इन वाटिकाओं से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव में अपने घर से गुजर रहा हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे यहाँ पर लग रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे पुष्प भी यहाँ पर हैं, जो मैंने आपको पहले ही उसके दर्शन करवाए हैं। तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं हर की पैड़ी की तरफ और ले चलते हैं आपको हर की पैड़ी। तो अब हम पहुँच चुके हैं हर की पैड़ी में और यह है गौघाट। गौघाट से आगे का सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं। आज गौ घाट पर श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी स्नान करने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं कर पा रहा है। जो भी यहाँ पर स्नान कर रहा है वो मजबूरी में ही स्नान कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो रही है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं आगे की वीडियो में। यहाँ पर ये गौ घाट का दृश्य है, ऊपर जहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। और आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं हर की पैड़ी की तरफ। आज हम आपको गौ घाट से हर की पैड़ी के दृश्य दिखा रहे हैं और ये कलकल ध्वनि में बहती हुई गंगा नदी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ सामने से, जो गंगा में अपने पत्र पुष्प फल चढ़ाकर वापस जा रहे हैं, लेकिन आज गंगा जी में अभी तक कोई भी श्रद्धालु स्नान करता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, ऊपर मनसा देवी का मंदिर भी कोहरे से ढका हुआ है और पवित्र पावन जल बहता हुआ ये धनुष ब्रिज आपको कई बार मैंने वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर ऊपर पुल के पास सुंदर सुंदर शंख रखे हुए, और आगे बढ़ते ही आज यहाँ का दृश्य देखिए आप, कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है। कोहरा भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन गंगा घाट पर आज स्नान करते हुए लोग कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये नाई घाट का दृश्य है, जहाँ पर आप कलकल करती हुई ध्वनि में नदी को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु नहा तो रहे हैं, लेकिन देखो ये मग्गे का प्रयोग कर रहे हैं। पहले श्रद्धालु सीधे गंगा जी में डुबकी लगा देते थे, लेकिन अभी जो है ये मग्गे का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और श्रद्धालु नहाते हुए ठिठुरन भी कर रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, लोग आकर गंदगी कर देते हैं, तो सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, तो इनका यहाँ पर बड़ा ही योगदान है। तो आज ये थे हर की पैड़ी के दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग हर वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्नान करना, इक्का दुक्का श्रद्धालु ही स्नान कर रहे हैं, बाकी भीड़ तो खैर खचाखच भरी हुई है, लेकिन स्नान लोग कम ही कर रहे हैं। होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हरिद्वार की नई नई वीडियो और धार्मिक स्थानों की नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, और यह है ब्रह्मकुंड घाट। और ब्रह्मकुंड घाट पर देखिए पहले कितने ज़्यादा लोग स्नान कर रहे होते थे, लेकिन अभी कोई भी स्नान नहीं कर रहा है। जो छिटपुट लोग स्नान कर रहे हैं वो बाहर से ही हल्का फुल्का एक आध लोटा अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो ये थे आज के हर की पैड़ी के दृश्य। आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक्स। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।